आप सुन रहे हैं इन आक्रोशित युवाओं को और इनके दर्द को भी, इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में दो बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो दो बार का विधायक हुआ तो दो बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, तीन बार का हुआ तो तीन पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की तीन पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में ये भी समझिए, और बहुत दिलचस्प है। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6-6 बार के विधायक बने हैं, उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहां भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है, पूर्व विधायकों की। 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए, यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहां का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं?